के बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी, जिसे लेकर कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार वो देहरादून में संपन्न हुई। देहरादून के कैनाल रोड स्थित लग्जूरिया फार्म्स में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी हुई। इस दौरान चेतन आनंद ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और पिंक कलर का साफा बांधा था, तो वही आनंद की दुल्हन आयुषी ने मेहरून रंग का हैवी ब्राइडल लहंगा पहना था। आयुषी ने अपने लहंगे के साथ हैवी गोल्ड ज्वेलरी भी कैरी की थी। इसके अलावा ब्राइड आयुषी ने अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुषी की एंट्री के वक्त कई डांसर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने हाथ में मशाल पकड़ी और फिर उसके बाद आयुषी ने फूलों की चादर तले अपनी एंट्री ली। बता दें, इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए पूरे फार्म हाउस को फूलों से सजाया हुआ था, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस शादी में लगभग 300 से भी ज्यादा लोग मौजूद रहे। बता दें कि आनंद मोहन की बहू आयुषी सिंह पेशे से डॉक्टर है और जयपुर के निम्स में काम करती है। आनंद मोहन ने अपने बेटे की शादी में बेहद खुश हो नजर आए। इस खास मौके पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। इस दौरान चेतन और आयुषी ने भी डांस किया। बता दें कि आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आए थे, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने कारा नियम में बदलाव करके जेल से उन्हें रिहा कर दिया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से शादी की तैयारियां चल रही थी। ये सारी तैयारियां काफी ज्यादा चुपचाप और गुपचुप तरीके से रुकी गई है। आनंद मोहन का बंगला देहरादून के क्रॉस रोड पर है, हालांकि यहां इस पूरे आयोजन के दौरान किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं रही। माना जा रहा है कि आनंद मोहन ने अपने करीबियों को शहर के ही अलग अलग होटलों में ठहराया था और खुद भी अपने परिवार के साथ पिछले 3 दिन से यहीं डटे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।